नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट केसरी में। मैं हूं अभिनव। जहां भारत ने वेस्टइंडीज को महज 3 रन से हराया, तो वहीं इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 118 रन से हरा दिया। और ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए कोई बड़ा लक्ष्य प्रोटियाज के सामने रखा था। महज 202 रन साउथ अफ्रीका को 29 ओवर में बनाने थे, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाज आसानी से धाराशाही होते दिखे। इंग्लैंड दौरे पर पहुंचे साउथ अफ्रीका की टीम, जहां पहले मैच में ताबड़तोड़ प्रदर्शन के साथ इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दी थी, तो वहीं दूसरे मुकाबले में खुद मेजबान टीम के सामने घुटने टेक दिए। वैसे दूसरा मुकाबला शुरू होने से पहले झमाझम बारिश हुई, जिसकी वजह से खेल देर से तो शुरू हुई ही, इसके साथ साथ मैच को 50 ओवर से महज 29 ओवर कर दिया गया। हालांकि दोनों टीम के लिए 29 ओवर भी खेलना कल पहाड़ तोड़ने जैसा हो गया था। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मेजबान टीम को मिला, जिसमें उनके ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय और जॉनी बेस्ट्रो ने तेज शुरुआत की, लेकिन रॉय नॉटजे के गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद बेस्ट्रो ने संघर्ष करते हुए 27 गेंदों में 28 रन बनाकर प्रिटोरियस की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद सॉल्ट 17, रूट 1, मोइन अली 6 और जॉस बटलर 19 रन पर सस्ते में चलते बने। उसके बाद आतिशी खिलाड़ी लिविंगस्टोन ने 26 गेंद पर 38 रन और सैम करन ने 18 गेंदों पर 35 रन की अच्छी और महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसके दम पर टीम 28.1 बॉल खेलकर अपने सारे विकेट खो दिए और 201 रन बना सकी। साउथ अफ्रीका की तरफ से प्रिटोरियस ने 6 ओवर में कुल 4 विकेट लिए, तो वहीं समसी और नॉटजे के खाते में 2-2 विकेट गए। कप्तान केशव महराज ने 1 विकेट लिया। इसके बाद जब बल्लेबाजी करने उतरी प्रोटियाज की टीम ने, तो कुल 6 रन के स्कोर पर अपने 4 विकेट गवा दिए, जिसमें जानेवन मलान, वेंदर दुसैन और मार्करम बिना रन का खाता खोले ही पैवेलियन की ओर लौट गए। इसके बाद क्लासेन ने पारी संभालने की कोशिश की, मगर उन्हें भी बटलर ने मोइन अली के गेंद पर स्टंप आउट कर वापस चलता कर दिया। वहीं डेविड मिलर 12 और प्रोटीरियस 17 रन ने भी अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाए। साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी सिंगल डिजिट रन पर आउट हो गए, जिसमें से 4 खिलाड़ी अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, जिसकी वजह से टीम मात्र 83 रन पर ऑल आउट हो गई। शायद कल का दिन दक्षिण अफ्रीका के लिए काफ़ी बुरा दिन था, क्योंकि कल के मैच में इंग्लैंड के सामने प्रोटियाज कहीं भी नहीं टिक पाई। दक्षिण अफ्रीका एक मजबूत टीम है और कई सारे चैलेंजेस का इस टीम ने बड़ी मजबूती से सामना किया। खैर, सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। अब 24 जून को होने वाला मुकाबला दोनों टीमों के बीच निर्णायक साबित होगा। तो क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।